पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे बेटे, ये प्रॉपर्टीज ऑफ दी अल्कोहल में पहला प्रॉपर्टीज रिएक्शन ड्यू टू क्लैवेज ऑफ आर आर ओ एच यानी ओ एच बॉन्ड को क्या किए थे फर्स्ट प्रॉपर्टी में ओ और एच के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किए थे। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो था केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें क्या किए थे रिएक्शन ऑफ क्लैवेज क्लैवेज ऑफ आर ओ एच बॉन्ड यानी ओ एच बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग को क्या देखे थे एच आयन बाहर निकला था एंड एसिडिटी चेक किए अल्कोहल का, अल्कोहल का इससे एसिडिटी चेक होता है। एच आयन रिमूवल का मतलब कि जितना ही ज़्यादा एच आयन निकलेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें स्टेबिलिटी हम लोग बेसिकली देखे थे और स्टेबिलिटी के केस में हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा 1 डिग्री अल्कोहल राइट, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट उसके बाद और क्या किए थे बेटे इसमें रिएक्शन विद एक्टिव मेटल सोडियम से यानी एसिड और मेटल जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है राइट। फिर नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल एमाइड, इसमें अमोनिया गैस निकला था, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट उसके बाद रिएक्शन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग क्या देखे थे सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल ही रिएक्शन देता, बाकी कोई नहीं देगा, बाकी कोई रिएक्शन नहीं देगा राइट। आफ्टर दैट स्टरीफिकेशन, स्टरीफिकेशन में हम लोग क्या देखे थे फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग क्या देखे थे CH3 जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिडर किए थे CH3COOH अल्कोहल से CH3OH। यहाँ पर ऑक्सीजन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या किए O16O18 ले लिए। अच्छा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था आपका रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या देखे थे बेटे कि अल्कोहल यहाँ से कौन निकल रहा था OH निकल रहा था राइट, और यहाँ से H निकल रहा था। तो वाटर में कौन सा ऑक्सीजन रहेगा एसिड वाला, वाटर में कौन सा ऑक्सीजन रहेगा एसिड वाला, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग देखे थे राइट। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या ध्यान देना था H2O16 राइट, और उसके बाद ईस्टर में कौन सा ऑक्सीजन ज्यादा था अल्कोहल वाला, ईस्टर में कौन सा ऑक्सीजन ज्यादा था अल्कोहल वाला। तो ईस्टर क्या बन गया यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 18। इस रिएक्शन में यही ध्यान देना था कि ऑक्सीजन किसका रहेगा, ऑक्सीजन वाटर में किसका रहेगा, तो वाटर में ऑक्सीजन मेरा रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिड का ऑक्सीजन रहेगा, और ईस्टर में ऑक्सीजन मेरा रहेगा अल्कोहल का। तो ये सारे कंप्लीट कर चुके थे हम लोग, स्टरीफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा जो है उस दिन हम लोग देखे थे कि 5 डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थे, पहला क्या था क्लैवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड, दूसरा क्या था आर और ओ के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके देखना था केमिकल प्रॉपर्टी, आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या था डिहाइड्रेशन, जिसमें कि एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे राइट। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और लास्ट था हैलोपाव, आज दो कवर अप करेंगे। फर्स्ट वन रिएक्शन ड्यू टू क्लैवेज ऑफ आर आर ओ बॉन्ड, आर ओ बॉन्ड जब अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके क्या केमिकल रिएक्शंस होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे एलिमिनेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। स्टार्ट करें बेटे इससे फर्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल
अल्कोहल विथ, याद होगा कि हम लोग जब हेलो फॉर्म करते थे तो वहाँ पर याद कुछ जिसको, इसीलिए मैं आज आपके व्हाट्सएप पे भी डाला हूँ उस क्लास को रिवाइज करने के लिए। लुकस टेस्ट, TCL5, PBR, उसके बाद वाला मेरे लेक्चर में सारा है, वो दोनों को रिवाइज करना जरूरी है आज के अभी के इस लेक्चर के लिए। तो वहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि अल्काइल अल्कोहल जो है, जैसे वहाँ पर हैलोफॉर्म बनाते अल्काइल क्लोराइड बनाते थे, लुकस टेस्ट हम लोग देखे थे, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन देखे थे एंड हाउ टू डिफ्रेंशिएट 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। सेम चीज यहाँ इसमें भी रिपीट होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग नहीं एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए जो मैंने लिख दिया हूँ उसको जाके दोबारा आप फिर से देख लीजिएगा, राइट। वो रिएक्शन बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑर्गेनिक में क्या है, मोस्टली मेरा रिएक्शन जो हम लोग कर चुके हैं ना, ऑलमोस्ट 70% रिपीट होंगे, 30% ही हर चैप्टर में अब नया आएगा, नहीं तो ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट रहेगा। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ लुकस टेस्ट, लुकस टेस्ट, लुकस टेस्ट का मतलब क्या होता है बेटे? लुकस टेस्ट रिएजेंट यूज करेंगे हम लोग, जिसमें कि हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लुकस टेस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड कंसिडर करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड, इसी को हम लोग लुकस टेस्ट बोलते हैं। डायरेक्टली ये भी नहीं देखा आपको लुकस टेस्ट दे देगा, तो आपको अपने आप देख कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये उसमें हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। इसको आज फिर से दोबारा रिपीट कर लेते हैं, और रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए उसको आपको जाके देख लीजिएगा एक बार, लिंक दिया हुआ लगता है। थर्ड लेक्चर होगा हेलो एल्केन का, थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर्स को दोबारा आप लोग उसको रिपीट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करें, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, राइट। इसमें क्या होगा बेटे, जैसे CCH3 अल्कोहल लेंगे, टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, इसको क्या करना है HCl से यहाँ पर आपका क्या होगा, ध्यान से देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से OH हटेगा, H हटेगा, Cl आएगा, राइट, और वाटर बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, CH3 Cl प्लस वाटर। इसका जस्ट थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म उसी लेक्चर नंबर हेलो एल्केन्स में 3 में जाकर इसको देखिएगा बेटे, इसको लिख लीजिए पहले, यहाँ जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट मीन्स SN1 में आपको याद होगा रेट जो होगा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, यूनिमोलकुलर। दूसरा चीज क्या देखे थे वहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था, जहाँ भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर रीअरेंजमेंट को ध्यान देना होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहाँ भी आपको कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा रीअरेंजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपना। ठीक है बेटे, आगे बढ़ें, थोड़ा सा इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देख लें, एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि आगे के रिएक्शन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है।
इसमें जैसे जनरलाइज कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, ROH, ROH ठीक है, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एनहाइड्रस, जिंक क्लोराइड, दैट गिव्स RCl प्लस H2O। अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जितने भी रिएजेंट होते हैं, ये ध्यान देने की बात है, जहां भी ये रिएजेंट यूज हो रहा है, जैसे ZnCl2 अल्मोनियम क्लोराइड, जहां भी रिएक्शन में आप देख रहे हो, सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म ये क्या करता है, रिएक्शन को आगे को प्रमोट करता है एज ए वर्क एज ए कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट जैसा काम करता है, तो जैसे यूज करेंगे मेरे आउटपुट में लास्ट स्टेप में वो जिंक क्लोराइड बाहर निकलना जरूरी है, ये ध्यान देना है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ROH ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिंक क्या है डी ऑर्बिटल में है, डी ऑर्बिटल में है, इसके पास बहुत सारे ऑर्बिटल खाली हैं, सो दैट उसको इलेक्ट्रॉन की हमेशा जरूरत पड़ेगी, उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो जिंक क्लोराइड क्या करेगा भाई, किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन के पास ही है सिर्फ, तो क्या करेगा ये जिंक के ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, क्या हो जाएगा उसके बाद, आर ओ मान लीजिए एच, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुट जाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जिंक को, जिंक क्लोराइड को, और अपने पास जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस चार्ज हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे इलेक्ट्रॉन ये देना चाहता नहीं है, उसमें लेक्चर में बताया था, यदि आपके पास ऑक्सीजन दिया हो एक ऑक्सीजन प्लस, दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस, ये तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है, और इसमें से आप निकाल ले तो और ये तबाही मचा देगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ये ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके ये तो चाहता है हमको और ऑक्सीजन चाहिए, और इसे आप ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो और ज्यादा भूखा हो जाएगा, इसलिए ओ प्लस या क्या हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, उस लेक्चर में रिपीट किए थे हम लोग। अच्छा, तो ऑक्सीजन तो देना नहीं चाहता था, देने के बाद क्या हो गया बेचारे के पास, प्लस चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेते जिंक पे भी निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि पूरा न्यूट्रल होना चाहिए, यहाँ न्यूट्रल है तो वहां भी न्यूट्रल होना, ये ध्यान देने की बात है, जब भी आप प्लस माइनस चार्ज लिखते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन देने से प्लस चार्ज आया, जिसके पास गया माइनस चार्ज आया, ये पूरा न्यूट्रल होना जरूरी है, इन्हें प्लस चार्ज लिख कर गलती से मिस्टेक माइनस छूट गया तो सारा काम गड़बड़, क्योंकि आपका कंपाउंड टोटल क्या रिएक्टेंट में न्यूट्रल है, तो ये भी न्यूट्रल होना चाहिए, तो वो कहीं छूट रहा तो तुरंत उसको देख लीजिए कौन सा किसके पास प्लस माइनस चार्ज जा रहा। अब क्या हो गया कि ये तो और भूखा हो गया बेचारा ऑक्सीजन, अब ये खींचेगा किससे इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा समस्या है, तो अल्काइल ग्रुप एक बच गया है, अल्काइल ग्रुप से ये क्या कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो अल्काइल ग्रुप के पास ये जो बॉन्ड पेयर बॉन्ड बना हुआ है, इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा, इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये अल्काइल ग्रुप दे देगा तो क्या बन गया, कार्बोकेटायन, क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन गया R प्लस, और इसके पास इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको तो ZnCl2 और OH, ZnCl2 OH, ZnCl2 पे माइनस चार्ज रह ही जाएगा, तो यहां पर क्या बना, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन में रिएजमेंट प्रोसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, इसीलिए इसको क्या बोला जाए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और जहां कार्बोकेटायन आ गया तो आपको रिएजमेंट को ध्यान देना होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखे, अब क्या हो गया, R प्लस बन गया, ये हो गया, अभी HCl का हम लोग यूज नहीं किया है, अभी तो कैटलिस्ट से ही सारा काम किए, असली तो रोल में HCl है पड़ा हुआ, अभी HCl क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, H प्लस और Cl माइनस, HCl को अब यूज करते हैं यहाँ पर,
नेक्स्ट रिएक्शन में H प्लस और Cl माइनस, तो माइनस चार्ज वाला प्लस पे चला जाएगा और प्लस वाला माइनस पे चला गया। तो यहाँ देखो H प्लस इसके पास गया तो वाटर बन के बाहर निकल जाएगा और ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट बाहर निकल गया जो मेरी रिक्वायरमेंट है, और इधर से Cl इसके पास गया अल्काइल हैलाइड बना दिया। तो हेलो एल्केन्स में हम लोग देखे थे प्रिपरेशन में ये मेथड पढ़े थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में अल्कोहल से कैसे बनाएंगे यही कॉन्सेप्ट को वहां भी यूज किए थे, राइट। तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा मेरा अल्काइल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। वो PCl5 वाला ये सब जाके जरूर देखिएगा, उसमें सॉलिड गैस बहुत चीज बताया हुआ है। जब देखो मैं भी भूल जाता हूँ कितना दिन हुआ, हार्डली 15-20 दिन हुआ हुआ, तो समझिए आप लोगों के लिए कितना रिवीजन करने की जरूरत है। ऑर्गेनिक है रिवीजन खोजता है, जितने रिवीजन रहेगा उतने सबसे आसान है, रिवीजन है तब कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन नहीं है तो कोई आफत है। और बिना ऑर्गेनिक के सिलेक्शन नहीं होगा ये भी जान लीजिए, ऑर्गेनिक के वो अच्छा करना है मस्ट है, क्योंकि सिलेबस जब सारे रिड्यूस हो गया है तो सब मार्क्स ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करेगा, और कॉम्पिटिटिव में 12th में है तो इसलिए ऑर्गेनिक ज़्यादा इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम क्या ध्यान दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर बनेगा, किस पर डिपेंड करेगा, इस कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पर, हम लोग SN1 में पढ़े हैं। रेट इसी रिएक्शन का डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए ऑर्डर क्या है, 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree, 3 degree सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 degree, फिर और जो नहीं है ग्रेजुएट यहाँ प्रोसेस होता है, हाइड्राइड के थ्रू देखे थे, CH3 के थ्रू देखे थे, फिनाइल ग्रुप से भी देखे थे, वो सारा रिलेजमेंट वाला बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कहाँ पर ऑक्सीजन, ये वाला, ये क्या है, इसके पास प्लस चार्ज आया ना, ये तो इलेक्ट्रॉन को और भूखाप बना दिया ना ऑक्सीजन को, ये यहाँ पे तो खुश था मजे से, मैंने इसको डिस्टर्ब किया, कौन डिस्टर्ब कर रहा, जिंक, ये इसको तो ये चाहता नहीं था कि जाके हम इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे, ऑक्सीजन कभी नहीं चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रहता है, देना तो कभी इच्छा ही नहीं है, लेकिन जिंक के पास इतना जगह खाली है, जिंक हमेशा कहता है इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जब ये ऑक्सीजन जो है, जब एक मिनट वो हो ऑक्सीजन पेयर, हाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाँ ठीक है राइट, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज, ये लोन पेयर गया ना किसके पास, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, इसके कारण क्या हो गया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में चला गया, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ गया और जिंक क्लोराइड पर माइनस चार्ज आ गया। और उसके बाद अब नेक्स्ट क्या हो गया, ये ज्यादा भूखा जब हो गया तो किससे अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक अल्काइल ग्रुप बचा हुआ है, तो अल्काइल ग्रुप का जो है बॉन्ड बना हुआ उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसको आर प्लस बन के ये बाहर निकल आया, कार्बोकैटायन बन गया। राइट बेटे, इसमें और भी क्या ध्यान देना है, यदि ये कार्बोकैटायन कायरल कंपाउंड बनता है तो R एंड S दोनों बनेगा, इंटेंशन एंड इन्वर्शन दोनों बनेगा, और दोनों यदि बनता है तो उसको रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हर जगह यूज हो रहे हैं, जहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान देना जरूरी है, कायरल कंपाउंड होगा तो इंटेंशन R एंड S दोनों बनेगा, SN2 में सिर्फ इन्वर्शन साइड बनता था, SN2 में सिर्फ इन्वर्शन बनता था क्योंकि उसमें क्या होता है, एक साइड से जोड़ रहा था एक साइड से टूट रहा है, तो इन्वर्शन सिर्फ बनता था, तो इसलिए ये जो 5-6 रिएक्शन मैकेनिज्म है इसको बराबर बराबर हमेशा 10 दिन पे रिवाइज करते रहिए,
रिवाइज करते रहेगा तभी पूरे साल तक अटैच रहेगा आपके साथ, नहीं तो उसमें तो हमको लग रहा है एक 15-20 दिन का गैप करने पर जीरो हो जा रहा है। एक ही उपाय है रिवीजन, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये तो समझ में आया क्या करना है। अब नेक्स्ट उसके बाद लुकस टेस्ट के बारे में, यानी ये एनहाइड्रस और जिंक क्लोराइड, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकस टेस्ट। ये बेसिकली क्या है, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये जो रिएक्शन। मतलब जी इसका समझ गया कि भाई कैसे हो, क्या हो रहा है, लेकिन बेसिक इसका यूज क्या है कि ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन है, जैसे पहले ग्लूकोज टेस्ट होता क्या है, इसको क्लियर दिमाग में बैठना जरूरी है, जिसमें आपका क्या हो गया, जिंक क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड एज ए रिएजेंट यूज करेंगे, एनहाइड्रस सूखा हुआ बिना वाटर का एनहाइड्रस। तो इसी दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज टेस्ट बोलते हैं, राइट। समटाइम्स कोई ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो ये दोनों आपको ABC में दिया रहेगा, उसको टिक करना रहेगा। अब यहाँ पर क्या देखना है, यदि 1 डिग्री अल्कोहल रहता है, ये सारे उसमें लेक्चर्स में रिपीट है, इसलिए जाकर आज उसको कैंडिडेट किया देते हैं उसमें। 1 डिग्री अल्कोहल यदि लुकस टेस्ट करता है, LT लार्सन ट्यूब कंपनी नहीं है, LT लुकस टेस्ट है, ठीक है, वो LNT है, नॉट LT, राइट। तो यदि LT फॉर लुकस टेस्ट 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा, तो जो मेरा अल्काइल हैलाइड बनेगा, RH, जो अल्काइल हैलाइड बनेगा इमीडिएटली व्हाइट PPT देगा, थ्री डिग्री अल्कोहल गिव्स इमीडिएटली व्हाइट PPT। 1 डिग्री अल्कोहल कुछ नहीं देता, 1 डिग्री अल्कोहल नहीं देता, तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा यदि लुकस टेस्ट करते हैं, तो ये क्या देगा, इमीडिएटली व्हाइट पीपीटी यदि देता है, तो आप क्या समझोगे, 3 डिग्री अल्कोहल है, इमीडिएटली व्हाइट PPT देगा, तो व्हाट यू अंडरस्टैंड, वो अल्काइल हैलाइड किस टाइप का होगा, 3 डिग्री, चाहे अल्कोहल किस टाइप का होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स के बाद देता है तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल लुकस टेस्ट कराने पर ये अल्काइल हैलाइड जो होगा यहाँ पर, यदि 5 से 10 मिनट के बाद ये व्हाइट PPT शो करता है, तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल है। आफ्टर फाइव मिनट्स टू टेन मिनट्स यदि व्हाइट PPT देता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट। PPT नॉट फॉर पावर प्रेजेंटेशन, राइट। और 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन तो होगा, नो रिएक्शन नहीं होगा, ये नहीं कभी यानी व्हाइट PPT नहीं देगा, नो व्हाइट PPT यदि रहेगा, तो आप क्या समझ जाओगे कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। हाँ, एक चीज ध्यान देने का है कि एट रूम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर रहेंगे तो 1 डिग्री ये भी अल्कोहल आपको व्हाइट PPT देने लगे, सिर्फ रूम टेम्परेचर पर नो व्हाइट PPT, एट रूम टेम्परेचर नो व्हाइट PPT, एट रूम टेम्परेचर नो व्हाइट PPT, एट रूम टेम्परेचर नो व्हाइट PPT, at room temperature no white PPT, if you are increasing the temperature तो फिर ये अपना white PPT देगा, high temperature पर देगा, at room temperature पर सिर्फ नहीं देगा,
तो ये तीनों जो रिएक्शन कराएंगे एट द रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि व्हाइट पीपीटी देने का मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है, ये टोटली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन है कि ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 1 डिग्री अल्कोहल है। राइट बेटे, ओके डन, एग्री एवरीवन। नेक्स्ट उसके बाद इसमें क्वेश्चंस कुछ देख ले जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहेंगे अपने। जैसे दिया होगा हाउ कैन डिफरेंशिएट, हाउ कैन डिफरेंशिएट प्रोपेन टू ऑल एंड प्रोपेनल या ब्यूटेनल, ब्यूटेनल लेकिन ब्यूटेनल देगा देगा रुक जाओ बेटे, या इथेनॉल करने दो, इथेनॉल क्योंकि कार्बोकेटाइन का वहां फॉर्मेशन हो जाएगा ना, ये भी ध्यान देना है इसमें कार्बोकेटाइन का ही। हाउ कैन डिफरेंशिएट प्रोपेन टू ऑल एंड इथेनॉल, तो पहले तो प्रोपेन टू ऑल कैसे होगा, 3 कार्बन जो ऑल दे रहा है यहाँ, इसको आइसो प्रोपाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं कॉमन नेम, आइसो सेकेंड कार्बन पोजिशन पर OH लग गया, सेकेंड पोजिशन कार्बन पर लग गया तो आइसो हो गया, और टोटल काउंट कर लेते हैं 3 है ठीक है, तो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल CH3H CH3, ये कंपाउंड की बातें कर रहा है, और दूसरा इथेनॉल CH3CH2OH यानी 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसको डिफरेंशिएट करना हुआ तो ये क्या देगा, आफ्टर लुकस टेस्ट कराएंगे, एलटी कराएंगे, तो 5 से 10 मिनट के बाद यदि वाइट पीपीटी देता है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल है। यदि यहाँ पर CH3CH CH3 क्या बनेगा, Cl प्लस वाटर। यदि 5 to 10 मिनट के बाद यदि ये वाइट पीपीटी दे दिया तो वी कैन से दैट दिस अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। और इस केस में LNT यदि कराते हैं, LNT कराते हैं यदि नो वाइट पीपीटी दे रहा है तो हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल यानी CH3CH2Cl+water। तो इसको नो वाइट पीपीटी एट रूम टेम्परेचर, नो वाइट पीपीटी एट रूम टेम्परेचर, तब इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। LT याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड, प्लस जिंक क्लोराइड। हाँ एग्जाम में LT लिखी है तो सीधे 0 नंबर डालेगा। ठीक है बेटे, बने आगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है लुकस टेस्ट नहीं देगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है,
वन डिग्री कार्बोकेटायन नहीं देगा। यदि कार्बोकेटायन स्टेबल रहा है, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वन डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है। लुकस टेस्ट वो क्यों नहीं दे रहा है, यदि लॉजिकली सोचे तो वन डिग्री कार्बोकेटायन कम स्टेबल। अच्छा, SN1 के लिए प्रेफरेबल कौन है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री नहीं है तभी तो SN2 पढ़ते हैं। तो ऐसे भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन नॉट प्रेफरेबल फॉर SN1 मैकेनिज्म, राइट। लेकिन यदि वो स्टेबल, तो क्यों उसको रिजेक्ट कर रहा है कि कार्बोकेटायन उसका स्टेबल नहीं है, और तो कोई लॉजिक है नहीं। चलो वो ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं कि कोई वाइट पीपीटी नहीं है, लेकिन बाई मैकेनिज्म क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि रेट किस पर डिपेंड करता है, कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन पर कौन सा स्टेबल है। लेकिन यदि वो कार्बोकेटायन 1 डिग्री वाला स्टेबल हो जाए, स्टेबल किस बेस से होगा, रेजोनेंस के बेस पर। यदि रिंग में वो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तब वहां पर लुकस टेस्ट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH2OH, राइट, अब कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन कैटायन 1 डिग्री कार्बन कैटायन का तो फॉर्मेशन होगा, पहला रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चले CH2+, राइट। और लॉजिक क्या है, इसके पहले थोड़ी देर पहले क्या देखिए भाई कि 1 डिग्री कार्बन कैटायन लुकस टेस्ट नहीं देता है। फैक्टर एक ही था भाई, क्यों नहीं देता है, तो स्टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी किसके कारण बढ़ जाए, इस इंडोजिनस के कारण, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। हम लोग हाइपर कंजुशन में 3-4 मीटर देखे थे रेजोनेंस के लिए, तो उसमें से देख तो सेटिस्फाई हो रहा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो ड्यू टू रेजोनेंस के कारण क्या हो गया कि ये तो स्टेबल हो गया पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो ड्यू टू रेजोनेंस के कारण क्या हो गया, ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया। सो दिस रिएक्शन गिव्स द लुकस टेस्ट। यदि आपसे पूछता है कि लुकस टेस्ट देगा कि नहीं देगा, तो आप लिखिएगा वहां पर ड्यू टू रेजोनेंस के कारण 1 डिग्री कार्बोकेटायन इज स्टेबल, हेंस दिस रिएक्शन गिव्स 1 डिग्री, हेंस दिस रिएक्शन गिव्स लुकस टेस्ट, ये लुकस टेस्ट देगा, इट गिव्स लुकस टेस्ट। इसको थोड़ा सा एक्सेप्शन में रख के डाल लीजिएगा नोटबुक में। हो गया बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 C2H5 H OH, 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, राइट। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटे, क्या ये कार्बन कायरल है, यहां CH3 है, ये C2H5 है, ये OH है, ये हाइड्रोजन है, चारों डिफरेंट है, इट मीन्स कायरल कंपाउंड है। अब यहां पर ध्यान देना, वो R और H दोनों बनेंगे, यानी मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट दो हो जाएंगे, दो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, राइट। तो यदि इसको हमको लुकस टेस्ट कराना हो, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है, तो पहले क्या है, अब इसको लिखने के लिए अपना पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म पे आपका कंसंट्रेशन हो जाना चाहिए,
कि भाई इस रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्म होना चाहिए। प्रोडक्ट यहाँ रटने की कोई जरूरत नहीं है, रिएक्शन मैकेनिज्म कार्बोकैटायन थे, इसमें पहले दिमाग लगा लो कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म हो रहा है उसको लिख लो पहले। CH3 C2H5 ये H और ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। मुझे भी नहीं पता क्या बनेगा, लेकिन लॉजिक से चले रिएक्शन मैकेनिज्म मालूम है। अच्छा, ये कार्बोकैटायन बन गया तो भाई उसके बाद स्टेबल तो है, अब इसमें तो कोई चेंजेज आएंगे नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर आएगा कौन, कोलिन आएगा Cl- HCl वाला, लास्ट स्टेप में वही करते हैं H+ और Cl-, Cl- की कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो Cl तो यहाँ आ गया और प्लस भी गायब हो गया, तो एक तो ये प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, अपने OH ग्रुप के पोजीशन पे ही Cl आया तो रिटेंशन R बोलेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप के उसी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन, रिटेंशन और R। उसके बाद दूसरा क्या है इसका मिरर इमेज, यानी इन्वर्सन, CH3 इधर चला गया और Cl इधर आ गया, उसको हम लोग इन्वर्सन बोलते हैं, Cl CH C2H5 और CH3, मिरर इमेज भी हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया, राइट। R एंड H दे दिया, दिस वन इज मेजर, दिस वन इज माइनर, राइट। रेसिमिक मिक्सचर भी बन गया इसमें, तो इस तरह के रिएक्शन को ध्यान रखना है। रेसिमिक मिक्सचर का भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है बेटे। तो ये सारे हमने क्या देखा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से यानी अल्काइल क्लोराइड बनाने का, सिमिलरली HBr भी करता है, सिमिलरली रिएक्शन होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए, सारा उस लेक्चर के हेलो एल्किन्स वाला लेक्चर नंबर 3 में सारा दिया हुआ है, सिमिलर रिएक्शन फॉर HBr। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल CH3 C2H5 CH3 OH कॉन्सेंट्रेटेड HBr जिंक क्लोराइड, तो यहाँ पर ZnBr2 लेना पड़ेगा, Zn चाहे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए थे, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसमें क्या है ध्यान देने की बात है कि यहाँ H+ निकलेगा और N9 क्या बनेगा, HSO, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड को कैसे लिखेंगे, HSO4-, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि जिस तरह से वहां पर हम लोग क्या देखे थे ZnCl2 में हम लोग, अब यहाँ ये भी क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक OH छूट रहा है, OH छूट रहा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, OH निकला, यहाँ पर आपका Br आ जाएगा और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फाइनल रिएक्शन क्या है, CH3 C CH3 C2H5 Br+ water। इसमें भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, इसमें भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, राइट। इसको लिख लो बेटे,
रिएक्शन मैकेनिज्म सोचे तो क्या होगा, HSO4 लिंक करेगा, HSO4 लिंक करेगा, उसमें इसका भी रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है। ठीक है, HI जब रहेगा तब क्या होगा, इसको लिख लो, तब HI सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, HI सबसे ज्यादा, तब HBr, तब HCl, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड HI रहेगा, तब HBr, तब सबसे कम HCl। क्यों, कारण क्या था, कॉलम में नीचे जाएगा, साइज बढ़ते जा रहा है, साइज बढ़ेगा, एसिडिटी किस पर डिपेंड करता, कौन आसानी से एच को छोड़ेगा, आसानी से एच को कौन छोड़ेगा, तो आयोडीन का साइज बड़ा हो जाएगा तो एच वहाँ आराम से छोड़ सकता है, फिर बीआर को HBr छोड़ेगा एच को, तब लास्ट में HCl छोड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर HI का है, राइट। जब HI जब यूज करेंगे तो रिएजेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इफ आई यूजिंग HI देयर इज नो नीड फॉर एनी रिएजेंट, तब कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ब्रोमाइड की जगह पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, रीजन कि HI इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग does not require any reagent because HI का सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है, तब HBr, then तब HCl, तब HCl। ठीक है बेटे, एक और वहां पे किए थे, जब HI जब यूज किए थे तो रेड फास्फोरस, सारा जाके आज एक बार रिवाइज कीजिएगा, तो अल्केन का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल से अल्केन का फॉर्मेशन जो हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, HI किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अल्केन का करता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, इसको R से H जुटेगा क्योंकि ये HI किस तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, RH इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इसका रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ले लो, एक C2H5OH प्लस HI रेड फास्फोरस प्रेजेंस में ये बना देगा इथेन, H जुट गया और H2O, और H2O प्लस आयोडीन, H2O प्लस आयोडीन, इसके लिए इसको डबल करना पड़ेगा, तो दिस एक्सरसाइज ऑल्सो ध्यान देने का है, राइट बेटे। अब जो नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग अपना, उसमें लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें कि PCl5
पीबीआरटी पीसीएलटी पीसीएल पाइप का हम लोग सॉलिड गैस में देखे थे और क्या क्या देखे थे कि PBR5 से रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि PBR5 एग्जिस्ट नहीं करता है, PI5 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें जाके डिटेल से कर लिए। हाँ, हम लोग शॉर्टनेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड कहने का मतलब PCl5 PCl3 PBr3 राइट। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि PBr5 से रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि PBr5 एग्जिस्ट नहीं करता है, PI5 भी नहीं होगा, ये सारे ध्यान वहाँ पर हम लोग किए हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल C2H5OH प्लस PCl5 जाके वहाँ पर ध्यान से देखिएगा, उसमें सॉलिड के केस में और लिक्विड जब रहेगा PCl5 दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट बना है। लेक्चर नंबर पार्ट 4 हेलो एल्केन्स में ये दिया हुआ, डिटेल से समझाया हुआ है। पार्ट 4 में हेलो एल्केन्स में ये डिटेल से दिया हुआ है, तो वेरी वेरी वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। PCl5 सॉलिड गैस फॉर्म में दोनों में है, तो क्या दे रहा है, इसका बाई प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बेटे, C2 अल्काइल हैलाइड बनाएगा प्लस HPO3 H3PO3 बाई प्रोडक्ट प्लस ये POCl3 पहले बनाया ना बेटे। हाँ, किस केस में बनाया था देखना, तो सॉलिड की गैस में, गैस के केस में शायद बनाया हुआ POCl3 देखना, तो प्लस C2H5Cl POCl3 प्लस HCl। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट को ध्यान देना बहुत जरूरी है, एक था शायद H3PO3 का, एक बार उसको जाके रिवाइज कर लीजिएगा। ये गैस के केस में होगा, सॉलिड के केस में आप PCl3 में गैस के केस में क्या बना है बाय प्रोडक्ट, अच्छा ओके, कहीं उसी में हमको याद आ रहा है कि H3PO3 भी था इसमें, था एक जगह H3PO3 भी था बाय प्रोडक्ट में बना था, एक बार जाके उसको ध्यान से देखिएगा, मुझे लेक्चर्स में रिपीट किया हुआ है। किसमें है, किस केस में H3PO3 PCl3 यानी C2H5 को PCl3 से रिएक्ट करने पर, अच्छा हाँ, इसमें PCl4 प्लस PCl6 में एग्जिस्ट करता है ये बताया था। ये क्या प्रोडक्ट दिया है अपना C2H5Cl प्लस H3PO3 प्लस HCl, यही होगा ना, क्या बेटे नहीं है ना, ठीक है एक बार देख लेना ठीक से इसको। तो इसमें ये बाई प्रोडक्ट, ये सारे रिएक्शन पूछते हैं प्लस टू लेवल पे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी, आपका नीट में भी, वो उसको मस्ट जाकर उसको जरूर चेक कीजिएगा। और हम लोग क्या उसमें देखे थे, आपका PBr5 डू नॉट एग्जिस्ट, रिएक्शन नहीं देता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में यदि आपका PBr3 रहता है C2H5OH पी तो PBr3 क्या दे देगा C2H5Br3 कर देना बेटे PBr3। उसी तरह से PI3 भी जो था तो फास्फोरस प्लस I2 के फॉर्म में रहता है, ये भी फास्फोरस प्लस ब्रोमीन के फॉर्म में रहेगा, अल्काइल हैलाइड ब्रोमाइड रहेगा, आयोडाइड रहेगा, उस लेक्चर को जाके एक बार दोबारा देख लेने का बेटे। एक उसी में फिर लास्ट मैंने क्या कराया होगा SOCl2 से भी कराया होगा SOCl2 वो सारे रिएक्शन यहाँ रिपीट हो रहे हैं,
क्योंकि ये सारे रिएक्शन में आप क्या ध्यान दे रहे हो, आर और ओ बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा, आर और ओ बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है एल्कोहल में। एक और रिएक्शन क्या आया था, मैं रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ एसओसीएल टू, इसको क्या बोले थे हम लोग, थायनाइल क्लोराइड, थायो टी एच आई ओ थायनाइल वाई एल क्लोराइड, थायनाइल क्लोराइड एसओसीएल टू। यहाँ भी सारे में ये कॉमन ही है, सब में आर ओ एच यही बॉन्ड ब्रेक हो रहा। एसओसीएल टू क्या दिया, आर सी एल प्लस एसओ टू प्लस एच सी एल, एसओ टू प्लस एच सी एल, रिएक्शन विथ एसओसीएल टू थायनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग शायद बोलते थे डार्जन मेथड भी बोले हैं, दिस इज कॉल्ड डार्जन मेथड। तो आज आके इस लेक्चर को फोर्थ को, थर्ड एंड फोर्थ को रिपीट कीजिए, थर्ड एंड फोर्थ को रिपीट करने पे यहाँ भी सेम रिपीटेशन है। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे C2H5OH SOCl2 से करने पर C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, राइट बेटे। अभी ब्रेक कर ले हम लोग, तब डिहाइड्रेशन वाला कर लेते हैं।